राजा जी इन्हें मूर्त बना दीती ने, ना भेद समझ में आया, ना भेद समझ में आया, ना भेद समझ में आया। तारा भी समझ में आ जाए तो बता दियो, पूरी पूरी रचना सुनियो, बड़ी एक नंबर की रचना। क्या राजा जी इन्हें मूर्त बना दी तीन, ना भेद समझ में आया, राजा जी इन्हें मूर्त बना दी तीन, ना भेद समझ में समझ में आया, राजा जी ने मूर्त बना दी तीन, ना भेद समझ में आया। क्या बात है, सुभाष जी मान के बढ़िया है। एक जिसा से फिर मूल्य में फर्क किसा से, फिर मूल्य में फर्क किसा से, वो तीनों का ढंग एक जिसा से फिर मूल्य में फर्क किसा से, फिर मूल्य में फर्क किसा से, वो मेरे ते उता नहीं यकीन, इन्हें चमत्कार दिखलाया, राजा जी इन्हें मूर्त बना दी तीन, ना भेद समझ में आया, राजा जी इन्हें मूर्त बना दी तीन, ना भेद समझ में आया। क्या बात है, हो गया जय भगवान जी। सकल एक सी घड़ती सबकी, सकल एक सी घड़ती सबकी, ओ चाल गली से घड़े गजब की, सकल एक सी घड़ती विचार करण जो गायो तीन, इन्हें कुन सा राज छुपाया, राजा जी इन्हें मूर्त बना दी तीन, ना भेद किसे ने पाया, राजा जी मूर्त बना दी तीन, ना भेद समझ में आया। इतने बुद्धिजीवी ज्ञानी धानी बैठे हैं, क्या आप में से कोई बता सकता के राज पाया होगा उन मूर्तियां में? शायद मेरे ख्याल से सारे ना डलाओगे, किसी ने नहीं बेरा। पहली बार जब मन आया विश्वकर्मा पुराण में बात पटी, मेरी भी पाया तलक जमीन खिसक की रब बैरी, छोटी सी बात में इतना बड़ा राज जिंदगी का। फर्क क्या पाया, राजा हाथ जोड़कर खड़े होगा, बोला हे कारीगर मैं नमन करता हूं आपको, मुंह मांगा इनाम दूंगा, आप मन राज बताओ के राज छुपे हैं तीनों मूर्तियां में। सजनो सुनियो, अब कारीगर हाथ जोड़कर खड़े गन बोला महाराज सुनो एक काम करो, एक तार मंगवाओ, पतला सा तार। एक तार मंगवाया गया, बोला महाराज अपने हाथ इस तार ने जो मूर्ति 500 रुपया की है उस मूर्ति के कान में घाल दो। उस राजा जी ने उस तार को लिया और 500 रुपया जो मूर्ति थी उसका कान में गो दिया, वो तार इस कान में गल यार इसमें गल निकल गया। नमला महाराज अब इसे तार ने जो बीच में मूर्ति धरी दूसरे नंबर की ई के कान में घाल, महाराज गया दूसरे नंबर की जो मूर्ति थी उसके कान में तार घाल दिया और वो तार क्या हुआ मुंह से बाहर निकल गया। जब तीसरी मूर्ति का नंबर आया महाराज ने तार कान में घाल लिया,
तार ना तो मुंह में कलिकड़ा ना कान में कलिकड़ा तार मैं खो गया सारा ताऊ सुनिया कर बैठ जा। तीनों मूर्तियां में जब यह बात देखी राजा कब करेगन बोले अरे बात तो समझ में नहीं आई तने तार वाला खेल तो दिखा दिया यू सह के बता तो दे नवला महाराज अब ध्यान से सुनो ये मामूली मूर्ति नहीं है इंसान को समझाने की बात है कि जिस मूर्ति का रेट मैंने 500 रुपए धरिया उस मूर्ति में तार अपने एक कान में घाला दूसरे में कलिकट गया। इसका मतलब यो है जो इंसान किसी की बात सुन के और एक कान तक सुने दूसरे तक काट दो आदमी 500 रुपया का हो है। दूसरी मूर्ति का मतलब महाराज कि जो इंसान किसी की बात सुन के कान तक सुने और मुंह तक बकता फिरे वो इंसान 5000 रुपया का हो है। और महाराज जो इंसान सब की बात सुनकर अपने भीतर में छुपा ले वो 5 लाख रुपए का इंसान होता है। ताड़ी बजाओ एक बार क्या चलेगा के बीच गुजार लिया कानों के बीच गुजार दिया उस मंत्री ने एक तार लिया कानों के बीच गुजार दिया कानों के बीच गुजार दिया। ओ खिसक की पाया तले जमीन था तेज गजब का पाया राजा जी ने मूर्त बना दी तीन ना भेद समझ में आया राजा जी ने मूर्त बना दी तीन ना भेद समझ में आया ना भेद समझ में आया ना भेद समझ में आया राजा जी ने मूर्त बना दी तीन ना भेद आखिरी के लिए भाई सुन के लोगों कोई इंसान अगर आपके पास में आता है तो तीन चीज का कारण आवे आदमी किसे दोहरावे है या तो वो किसी के भाव में आता है या किसी प्रभाव में आता है और या किसी अभाव में आता है जी। चाहे तो आप तो कोई इतना प्रभावित हो रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं पाता वो प्रभावित हो जाता और आपकी शरण में आता है या फिर उसका भाव इतना जुड़ जाता है आपके साथ में वो आदमी मजबूर होकर आपके पास में आता है या फिर उसके पास इतनी कमी होती है कि न्यू सोचे भाई झुककर सुदामा कृष्ण धोर गया था तू भी जाके देख ले मन माना तेरी कोई सुन ले इसलिए कोई धोरा है तो मान मत मारना सबकी सुनना लेकिन भीतर में राखियो कंधे ना फिरियो और इस कान तले किस कान तक मत काटना ये मैं नहीं कहता ये भगवान विश्वकर्मा कहते हैं। अगर यह बात आज ले कभी के तो नू सोच लो आज का यो प्रोग्राम सफल हो जाएगा। क्या लिखा इरदा गुरु ज्ञान से भरियो इरदा गुरु ज्ञान से भरियो अरे सब की सुन के मन में धरियो इरदा गुरु ज्ञान से भरियो इरदा गुरु ज्ञान से भरियो और रम धन कग सरिया होया लीन भक्ति रस गुरु ने प्याया राजा जी ने मूर्त बना दी तीन ना भेद समझ में आया राजा जी ने मूर्त बना दी तीन ना भेद समझ में आया राजा जी ने मूर्त बना दी तीन ना भेद समझ में आया राजा जी ने मूर्त बना